रबजी जी, बच्चे ना तोते होते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। और इस लाड प्यार ने ना धीरे धीरे हमारे परम को बिगाड़ देना। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को लाड प्यार नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, लेकिन लाड प्यार के साथ साथ डिसिप्लिन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और अगर पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को डांट दे या गुस्सा कर दे या समझा दे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। सरबजीत जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा परम बड़े होके लायक बने, और लायक बनने के लिए उसे जी जान से मेहनत करनी होगी, खूब पढ़ाई लिखाई करनी होगी पूरे मन से। परम को अभी से ना सुनने की आदत होनी चाहिए, वरना बड़े होके जब वो किसी की ना नहीं सुनेगा तो उसे आगे जाके बहुत तकलीफ होगी। जी मैं समझता हूँ आप जो कह रही हैं, लेकिन हरलीन दी ने परम को बचपन से पाला है। मेरी आज ही हमारे स्टाफ से बात हुई, उन्होंने बताया कि जब हम घर छोड़कर गए तो कैसे हरलीन दी रोज परम को मिस करती, रात रात भर उसके कमरे में जाके जागती रहती, रोती रहती, एक दिन भी चैन से सोई नहीं। और अब जब इतने दिनों बाद परम उन्हें वापस मिला है तो थोड़ी इमोशनल और पजेसिव हो चुकी है, और फिर परम को भी इतने दिनों के बाद टैब मिला तो उसे लेके थोड़ा एक्साइटेड हो गया।